नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। तो क्या यूपी, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इसी पर है हमारा ये खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सा सियासतदार कहां रहा। और इसी के साथ बढ़ते अपनी पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र मंत्री, यूपी के मंत्री सहित कई राजनेता मौजूद थे। बता दें कि अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में करते हुए पीएम ने काकोरी के तीन सपूतों को हाथ जोड़कर नमन किया। पीएम ने कहा कि आज यूपी में जो नए एयरपोर्ट, रेलवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान लेकर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, कुछ लोगों ने सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को कटघरे में खड़ा किया। इन लोगों को केवल अपने वोट बैंक की चिंता है, पहले कब कहां दंगा हो जाए इसका पता नहीं चलता था, आज कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। वहीं पीएम ने आखिर में एक नया नारा, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी का नारा दिया है। बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे, बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना तक मुश्किल कर दिया गया था, व्यापारी कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी, गरीब परिवार दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी, कब कहां दंगा हो जाए, कहां आगजनी हो जाए कोई नहीं कह सकता था। आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं। भाई बहनों, आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी स्थिति के चलते कई गांवों से पलायन तक की खबरें आए दिन आती रहती थी, लेकिन बीते चार साढ़े चार साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले पीएम मोदी का अभिवादन किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि शाहजहांपुर की धरती राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर परमवीर चक्र विजेता की भी धरती है। सीएम योगी ने कहा कि यहां 2014 से पहले जो नारे लगते थे, घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित रहती थी, लेकिन 2014 के बाद अब जोड़ने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, क्रांति की इस भूमि पर देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं और श्रमिकों के कल्याण के लिए अहर्निश कार्य करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आप सब की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब का यह सौभाग्य है शाहजहांपुर की धरती काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्ला खां की धरती तो है ही, देश के अंदर परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह की भी ये भूमि रही है और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्ति, जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ करने वाली इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आस्था का सम्मान करते हुए, शिव को श्रमिकों के सम्मान के साथ जोड़ते हुए, अभी आपने 13 दिसंबर का वह कार्यक्रम देखा होगा जब काशी में भगवान विश्वनाथ का वह पावन धाम प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप मूर्त रूप लिया है, तो देश और दुनिया का हर वह भारतीय अभिभूत हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है जिसने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम को देखा और श्रमिकों का सम्मान और उनका पुष्पांजलि के उस भव्य कार्यक्रम को देखा है। भाइयों बहनों, यही तो अंतर है इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। 2014 के बाद इस देश में जोड़ने की जो राजनीति प्रारंभ हुई, उस जोड़ने की राजनीति का ही प्रतिफल है इस देश के अंदर उन सभी मुद्दों को जो आजादी के बाद से जिनकी निरंतर उपेक्षा होती रहती थी, देश के गांवों का, देश के किसानों का, देश के नौजवानों का, देश के अंदर मातृशक्ति का, देश के अंदर श्रमिकों का, उन सब को सम्मान देते हुए देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ पद यात्रा में भाग लेने के लिए अमेठी पहुंच चुके हैं। उनके साथ कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। बता दें कि राहुल के आगमन से कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आए। तो वहीं राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, कुछ दिन पहले प्रियंका मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि लखनऊ चलो। मैंने उससे कहा कि लखनऊ जाने से पहले मैं अपने घर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अमेठी मेरा घर है, मुझे यहां से कोई अलग नहीं कर सकता। राहुल ने कहा, 2004 में मैं राजनीति में आया और पहला चुनाव मैं यहां से लड़ा था और आपने मुझे राजनीति सिखाई, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राहुल ने कहा कि आज देश के सामने दो सबसे बड़े सवाल हैं, बेरोजगारी और महंगाई। इन सवालों का जवाब ना मुख्यमंत्री देते हैं और ना ही प्रधानमंत्री। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू झूठा होता है? हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं, हिंदू का मतलब वो व्यक्ति
जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है उसे हम हिंदू कहते हैं। और अगर उदाहरण देखना हो तो हमारे सामने सबसे बेहतर उदाहरण महात्मा गांधी। उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब उन्होंने अपनी अपनी पूरी जिंदगी सच को समझने में लगा दी। किताब का नाम दिया माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मैंने सच्चाई के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा। एक तरफ सच्चाई, महात्मा गांधी, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान ने उनको महात्मा कहा, हिंदू। दूसरी तरफ नथुराम गोडसे, हिंदुत्ववादी, उसको किसी ने महात्मा नहीं कहा और ना कह सकते हैं, क्योंकि नथुराम गोडसे ने हिंदू की छाती में, सच बोलने वाले हिंदू की छाती में, सच की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू की छाती में तीन गोली मारी। क्योंकि नथुराम गोडसे अपने डर का सामना नहीं कर पा। नथुराम गोडसे एक कायर था, कमजोर आदमी था और वो अपने डर का सामना नहीं कर पाया। उसने अपने डर को नफरत में, क्रोध में बदला, हिंसा में बदला और सच्चाई जो बोल रहा था उसकी छाती में तीन गोली मारी। इसलिए हम नथुराम गोडसे को महात्मा कभी नहीं कह सकते। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा के साथ गठबंधन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और पंजाब भाजपा के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट कर गठबंधन की जानकारी दी है। कैप्टन ने कहा कि शेखावत से सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई लेकिन इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि कैप्टन भाजपा और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। शेखावत से मुलाकात के बाद कैप्टन ने कहा कि हम प्रत्येक सीट का अध्ययन करेंगे, जहां जिसकी स्थिति मजबूत होगी वहां उस दल को सीट मिलेगी। तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम कह सकते हैं कि भाजपा कैप्टन की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे का आधार क्या होगा इसके बारे में सही समय पर सूचित कर दिया जाएगा। कैप्टन के अलावा शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह डीडसा ने भी शेखावत से मुलाकात की और आगामी रणनीति पर चर्चा की। वह कुछ दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। कुछ दिन पहले डीडसा ने अपनी पार्टी के नेताओं की राय जानने के लिए बैठक की थी जिसमें ज्यादातर नेताओं ने भाजपा के साथ जाने में आनाकानी की थी। बाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार डीडसा को सौंप दिया गया था और पार्टी को लग रहा है कि तीन कृषि कानूनों के कारण ग्रामीण इलाकों में भी भाजपा के प्रति नाराजगी है और यही वजह है कि डीडसा ने अभी तक गठबंधन पर कुछ भी नहीं कहा है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक निवेशक शिखर सम्मेलन में निवेशकों को आश्वासन दिया है कि देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आंतरिक दर बहुत अधिक है और इन्हें इस क्षेत्र में अपने निवेश के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और करीब 2,00,000 करोड़ रुपए की टनल का निर्माण करेंगे। गडकरी ने कहा कि मुंबई में आज का सम्मेलन मुझे 1995 में राज्य मंत्री के रूप में मेरे समय की याद दिलाता है, जब मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस राजमार्ग के लिए रिलायंस द्वारा एक निविदा को अस्वीकार कर दिया था तो धीरूभाई अंबानी उस समय वहां थे और मुझसे बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री भी परेशान थे और बाला साहब ठाकरे भी परेशान थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मैंने कहा कि हम उस परियोजना और बांद्रा वर्ली सी लिंकर जैसी अन्य परियोजनाओं के लिए जनता से धन जुटाएंगे, तो सब मुझ पर हंस रहे थे। आज जब मुंबई में इस कार्यक्रम में मैं आया तो ये इन्वेस्टमेंट की याद मुझे आ रही थी। जब 95 में मैं मिनिस्टर था यहां और रिलायंस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए टेंडर किया था और वो टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था। उस समय धीरूभाई थे, वो भी मेरे ऊपर नाराज हुए और मेरे मुख्यमंत्री और सब नेता भी बहुत नाराज हुए। बाला साहब ठाकरे उस समय थे, वो भी मुझे कहने लगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो मैंने उनको कहा था कि मैं पब्लिक से पैसे लाऊंगा और एक्सप्रेस हाईवे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 55 फ्लाईओवर्स बनाऊंगा। तो सभी लोग मुझे हंस रहे थे। तो उस समय मेरे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने कहा कि नितिन तुम अच्छा बोल रहे हो, मेरा विश्वास नहीं होता, पर केवल तुम बोल रहे हो तो यह करके देखो, मुझे नहीं लगता कि यह होगा, पर लेट अस ट्राई फॉर इट। और तब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए एमएसआरडीसी की स्थापना हुई जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन था और संस्थापक था, और आरसी सिन्हा जो उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी बाद में हुए और मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हम दोनों मिलकर होटल की बात को छोड़ो, छोटे छोटे फोरम पर जाकर बैग लेकर लैपटॉप पर, नया नया आया था, मेरी उम्र 36 साल की थी, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इधर जाके प्रेजेंटेशन करते थे और कहते थे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। वो दिन इसलिए मुझे याद आया कि उस समय हम इन्वेस्टर के पास जा रहे थे, आज इन्वेस्टर हमारे हाल आ रहे हैं, इसका मुझे समाधान होता है। लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की दूसरी जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लखीमपुर सीजेएम कोर्ट में आशीष मिश्रा की तरफ से बदली गई धाराओं पर जमानत अर्जी डाली गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। मामले में जांच कर रही एसआईटी ने इंस्पेक्टर ने बीते दिनों मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के साथ ही गैर इरादतन हत्या की धाराओं को हटाकर सोची समझी साजिश के तहत हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में कोर्ट के आदेश को पर जोड़ा था और जांच अधिकारी की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों की रिमांड इन नई धाराओं में बना दी थी। मुख्य आरोपी समेत आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपी तभी से साजिश रचकर हत्या और हत्या का प्रयास, लाइसेंसी असलहे के दुरुपयोग समेत तमाम धाराओं में जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू की तरफ से दूसरी जमानत अर्जी डाली गई थी। अब आशीष मिश्रा पर लगी नई धाराओं में जमानत अर्जी डाली गई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विवेचक की रिपोर्ट के आधार पर माना कि मामला संज्ञेय अपराध का है, जमानत योग्य नहीं है, इसके बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे गुरनाम सिंह चढ़नी ने अपने राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चढ़नी ने अपने पार्टी का ऐलान कर दिया है कि उन्होंने उनकी पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी है। गुरनाम सिंह चढ़नी ने कहा है कि उनकी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ पंजाब का चुनाव लड़ेगी। आगे कहा कि संयुक्त संघर्ष पार्टी 2022 का पंजाब चुनाव सभी सीटों पर लड़ेगी। चढ़नी ने कहा कि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां पर
पैसे वाले लोगों का कब्जा है। देश में पूंजीवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, अमीर और गरीब के बीच बड़ी खाई बन रही है। उन्होंने कहा कि पैसे वाले लोग गरीबों के लिए नीतियां बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जाति और धर्म से ऊपर होगी और धर्म निरपेक्ष होगी। चढ़नी ने कहा कि यह सब धर्मों सब जातियों की पार्टी होगी। इस पार्टी में ग्रामीण शहरी मजदूर किसान रेहड़ी पटरी के लोग शामिल होंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी चित्रकूट की दोनों विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि बसपा ने पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के गद्दावर नेता पुष्पेंद्र सिंह को चित्रकूट सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता व जिलाध्यक्ष बलवीर पालमऊ मानिकपुर से प्रत्याशी होंगे। और यह घोषणा आयोजित बसपा के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हुई। गौरतलब है कि बसपा के एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बसपा सुप्रीमो मायावती का संदेश सुनाया। इसके साथ ही चित्रकूट तथा मानिकपुर विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। मैं कांग्रेस में 35 सालों तक मैंने अपनी सेवाएं दी और जब जिस कांग्रेस में मैं काम कर रहा था, अब वो कांग्रेस नहीं रही, अब वो कम्युनिस्ट हो चुकी है। मैंने अपनी बात को कई बार उच्च नेतृत्व तक समझाया और बताया, लेकिन उन्होंने सुनने से मना किया। तब मैं मजबूर होकर के और जनता के कार्य करने के लिए, चूँकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि एक ऐसा हथियार होता है कि जिससे एक आप आम जनमानस की सेवा कर सकते हैं, उसके बगैर जो है इस लोकतंत्र में किसी का भी कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं। जनता के बीच मेरा मुद्दा रहेगा मात्र एक, विकास, और सच्चा विकास, छलावा नहीं, सिर्फ पत्रकारिता तक नहीं और सिर्फ टीवी चैनल तक नहीं, हकीकत में ग्राउंड लेवल पर विकास होगा। मैंने देखा, मैंने नारा दिया था कि आइए देखिए और जनप्रतिनिधियों कि आपकी जो कांग्रेस समय में जो बनी थी, जो भी चीज़ें बनी वो क्या हुआ, आज के डेट में क्या है। मैंने एक नारा दिया था किसानों के लिए, आज मैं खुद किसान का बेटा हूँ। आज आप जा करके देख सकते हैं कि मेरे घर में 200 कुंटल धान लगा हुआ है और कोई कहीं खरीदारी नहीं हो रही है। किस तरह से किसान दो मैनपुरी में आयकर विभाग की टीम ने आरसीएल ग्रुप के मालिक एवं सपा नेता मनोज यादव के आवास पर छापा मारा है। बता दें कि कई गाड़ियों से आयकर अधिकारी यहां पहुंचे थे, तो वहीं सपा नेता के आवास के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। किसी को जाने की अनुमति नहीं है और सुबह 8 बजे से अधिकारी घर के अंदर जांच कर रहे हैं। दरअसल शहर कोतवाली के मोहल्ला बंसी गोहरा में सपा नेता मनोज यादव का आवास है। सुबह करीब 8 बजे 12 गाड़ियों से आयकर अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। फिलहाल सर्वे चल रहा है, अभी कोई भी अधिकारी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सुबह मैं अपनी बच्ची को यहाँ जैक एंड जिल स्कूल में पढ़ती है, वहाँ छोड़ने जाता हूँ डेली, इसी रास्ते से जाना होता है। तो आज सुबह भी ऐसे ही रूटीन जा रहा था मैं, तो मैंने देखा यहाँ काफ़ी पुलिस की और आयकर की गाड़ियाँ थी। मैंने पता किया तो पता चला इनकम टैक्स की रेट है। ये किस तरह देखते हो आप इसको, इस छापे को कैसे देखते हो? ये जैसा कि आपने देखा अभी 2-3 दिन पहले पूरे गठबंधन हुआ, एक सामाजिक गठबंधन हुआ है, उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि इनको जो है रात को पकड़ा था टूंडला टोल पे, वहां से कुछ नकदी बरामद हुई, उसके बाद आगरा छापेमारी की, फिर यहां लेके आए हैं। ये तो जांच का विषय है और क्या है वो तो तथ्य सामने आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन ये कार्रवाई जो है राजनीतिक कार्रवाई है। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से जो दल एक समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो सभी दल आज उनसे परेशान होकर जब हमारे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश से योगी बाबा जी को अलग हटाना चाहते हैं, तो इस तरह की कार्रवाई होंगी। आगे भी इस तरह की उम्मीद करते हैं कि
समाजवादी पार्टी के तीन नेताओं के घर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। बता दें कि प्रवक्ता राजीव राय, जैनेन्द्र यादव, मनोज यादव के ठिकानों पर मऊ, लखनऊ, मैनपुरी और आगरा में छापेमारी हुई है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे बीजेपी को हार की चिंता सताएगी, बीजेपी के सारे बड़े नेता यूपी आएंगे। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स का इंतजार था, वह भी आ गए। और अखिलेश ने आगे कहा कि इनकम टैक्स क्या, अभी तो ईडी आएगी, फिर सीबीआई भी आएगी, कौन कौन सी एजेंसियां आएंगी, साजिश फैलाई जाएगी, षड्यंत्र होंगे, लेकिन साइकिल नहीं रुकेगी। आरोप है उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चले हैं। ये सरकार कैसी है, भेदभाव से काम कर रही है, जात के आधार पर भेदभाव है। और जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है, हर चीज को उस चश्मे से देखने लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है, इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा, बदलाव होगा। जनता परिवर्तन के लिए तैयार है, बेरोजगार नौजवान तैयार है। कली की घटना, जहां पर देश के बड़े बड़े नेता एक मंच पे थे, क्या जनता को कितनी बार आप झूठ बोलेंगे? जनता को और पिछड़ों को, खासकर निषाद समाज के लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया और कहा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जब उनको बुला करके सम्मान देना था तो सम्मान नहीं दिया गया, उनके साथ भी भेदभाव हुआ, उनका हक छीनने का काम हुआ, और जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला। हम अपने निषाद समाज, कश्यप, बाथम और उनके तमाम केवट समाज को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी, उनका हक सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा, और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट, अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी, और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं, आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से एक महीना पहले क्यों नहीं, अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। और आप लोग भी सच दिखाते हो तो आप जानते हो सच दिखाने पर क्या होता है। जब आप लोग सच दिखाते हो, हम कई पत्रकार साथियों को जानते हैं, एक पत्रकार साथी ने केवल दाल में पानी दिखा दिया। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जीएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।